हेलो दोस्तों, अनीताज रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अरवा चावल की रोटी और आलू और टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जी। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। ये 2 कटोरी भिगोया हुआ अरवा चावल है, इसे 2 घंटा पहले भिगो दिए थे और उसके बाद इसे अच्छे से धो लिए हैं। अब इसका हम गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे। मिक्सी जार लेंगे और इसमें चावल डाल देंगे। सारा चावल डाल लिए हैं, इसमें आधा गिलास पानी डालेंगे। अभी कम ही पानी डालकर पीसेंगे, जरूरत होगा तो और पानी ले लेंगे। चावल हम पीस लिए हैं और देखिए इस तरह से पीस कर रखे हैं। इसे थोड़ा सा और पतला करेंगे ताकि जब इसका हम डो तैयार करेंगे तो आसानी से पके और अच्छे से डो तैयार हो जाए। देखिए इस तरह का इतना पतला हम चावल का घोल रखेंगे। अब इसका डो तैयार करेंगे। एक कड़ाही में 2 चम्मच रिफाइन ऑयल गरम कर लिए हैं और इसे इस तरीके से फैला लेंगे। और अब डालेंगे बैटर जिसे हमने पीस कर रखा है। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक और इसे चलाते हुए डो तैयार कर लेंगे। आप चावल का बैटर के जगह पे चावल का आटा भी ले सकते हैं। चावल के आटे को गर्म पानी से गूंथ लें तो अच्छा डो तैयार हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बैटर डो फॉर्म में आ गया है, एकदम गुथा हुआ आटा के जैसा दिखने लगा है। अब इसे एक ढक्कन से ढक देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और जब तक हमारा डो ठंडा हो रहा है तब तक चलिए सब्जी बना लेते हैं। जब तक चावल का आटा ठंडा हो रहा है तब तक हम आलू और टमाटर काट लेंगे। आलू एकदम फ्रेश है इसलिए हम इसे छिलका के साथ ही ले रहे हैं, आप इसे छील कर भी बना सकते हैं। अब चलिए इसे काट लेते हैं। आलू और टमाटर हम काट लिए हैं, थोड़े बड़े बड़े साइज में रखे हैं, बहुत बड़ा भी नहीं बहुत छोटा भी नहीं, आप अपने पसंद का साइज काट सकते हैं। और टमाटर थोड़ा सा ज्यादा है, ये टमाटर का सब्जी थोड़ा खट्टा ही अच्छा लगता है आलू और टमाटर का, तो आप टमाटर ज्यादा लेकर बनाएंगे, या आप कम खट्टा पसंद करते हैं तो टमाटर आप कम भी कर सकते हैं। चलिए अब सब्जी बनाते हैं। एक कुकर लेंगे या इस सब्जी को आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। कुकर में झटपट बन जाता है दोस्तों, मुश्किल से 10 से 12 मिनट में यह सब्जी बनके तैयार हो जाता है। तो हम आज कुकर में ही सब्जी बना रहे हैं। गैस पे रख लिए हैं और फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। अब इसमें डालेंगे सरसों तेल, 2 बड़ा चम्मच सरसों तेल लेंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पीला सरसों और 1 लाल मिर्च। आप इसके जगह पीला सरसों के जगह पे काला वाला भी सरसों ले सकते हैं। और डालेंगे 1 तेजपत्ता। सरसों हल्का भुन गया है, कलर चेंज हो गया है इसका। अब इसमें डाल देंगे आलू, फ्लेम हम मीडियम कर लेंगे। आलू हल्का भून लेंगे 1-2 मिनट। जब तक हमारा आलू भून रहा है तब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे। ये 4-5 कली लहसुन है, बड़े बड़े साइज का है, इसे हम कूट कर लिए हैं, आप इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून लेंगे हल्दी, 1 टीस्पून लेंगे जीरा पाउडर, इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर भी डाला हुआ है। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ऊपर तक रख लिए हैं। 1 टेबल स्पून भर के लेंगे पीला सरसों का पाउडर, आप काला सरसों भी ले सकते हैं, पीला सरसों का भी पाउडर बना सकते हैं दोस्तों, और आप इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। पीला सरसों का पाउडर बनाकर रख लेने से सब्जी बहुत झटपट बन जाता है और बहुत आसान होता है सब्जी बनाना। और 1 टेबल स्पून लेंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार लें। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका पेस्ट बना लेंगे। मसाला हमारा बनके तैयार है। 2-3 मिनट आलू को भुनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे मसाला जिसे हमने तैयार करके रखा है।
पानी भी डाल देंगे कटोरी धोकर और इसे अच्छे से भुनेंगे खुशबू आने तक। मसाले को हम बीच बीच में चलाते हुए भुनेंगे। देखिए दोस्तों, आलू और मसाला अच्छे से भून गया है, मसाले से बहुत अच्छा खुशबू आने लगा है। तेल बहुत ऊपर तक सेपरेट नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि मैं तेल बहुत कम डालकर सब्जी बनाती हूँ, तो आप मसाले का खुशबू से जान जाएंगे कि मसाला हमारा भून गया है। मसाला अच्छे से भुन गया है, अच्छा खुशबू भी आने लगा है। अब इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर। अब फ्लेम हम हाई कर लेंगे और इसे एक दो मिनट भून लेंगे। टमाटर डालने के बाद दो मिनट सब्जी भून लिए हैं और टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें डालेंगे पानी। ये सब्जी बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों, आप भी जरूर बनाइएगा। और अगर मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरे नए नए और आसान रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कुकर बंद कर देंगे और एक सीटी आने तक इसे हम पकाएंगे और जब पूरा एयर निकल जाए फिर हम कुकर खोलेंगे। सारा एयर निकल गया है, अब हम कुकर खोलेंगे। देखिए दोस्तों, एकदम कम मसाले में और बहुत कम टाइम में एकदम टेस्टी सब्जी हमारा बनके तैयार है। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया। सब्जी हमारा बनके तैयार है, अब चलिए रोटी बना लेते हैं। डो हल्का ठंडा हो गया है, इतना कि इसे हम छू सकते हैं। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया, कलर भी सुंदर आ जाएगा डो में और टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। हाथ में थोड़ा सा रिफाइन ऑयल ले लेंगे और अच्छे से मसल मसल कर एकदम चिकना डो तैयार कर लेंगे। इसे हल्का गर्म में ही मिक्स करेंगे, नहीं तो एकदम टाइट डो बन जाएगा। एकदम सॉफ्ट आटा तैयार हो गया है, अब चलिए इसका हम रोटी बनाते हैं। रोटी के लिए लोई बनाएंगे, इस तरीके से छोटा छोटा पीस काट लेंगे। हाथ से आटा निकालने में थोड़ा हाथ गंदा होता है, इसलिए चाकू से इस तरीके से कर लेंगे और इस तरह से छोटा या बड़ा, थोड़ा पतला पतला रोटी ही चावल का आटा से अच्छा लगता है, आप वैसे मोटा भी बना सकते हैं। इस तरह से लोई करेंगे। अब चलिए इसे बेलते हैं। लोई लेंगे और सूखे आटे में इसे लगाएंगे। बस जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरीके से इसे बेल लेंगे। रोटी बेलने के बाद थोड़ा फटाफटा किनारे से दिखता है, वैसे तो आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा सुंदर दिखे रोटी एकदम गोल गोल, इसके लिए कोई भी टिफिन का ढक्कन ले ले या कटोरी ले ले बड़ा साइज का और इसे इस तरीके से काट लेंगे। देखिए एकदम सुंदर गोल गोल रोटी बनके तैयार हो जाएगा और इसी तरीके से सारे रोटी हम बेल लेंगे। रोटी हम बेल लिए हैं, अब चलिए इसे सेक लेते हैं। तवा गर्म हो गया है, फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे और इस पे रोटी डाल देंगे। ऊपर का लेयर सूखा सूखा लगने लगा है, इसे हम पलट लेंगे। दूसरे साइड से भी रोटी सिक गया है, अब इसे हम पलट कर इस तरीके से दबाएंगे और ये फूला फूला रोटी बनके हमारा तैयार हो जाएगा। आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं और इसे गैस के फ्लेम पे भी सेक सकते हैं।
देखिए कितना सुंदर एकदम फुला फुला रोटी बनके तैयार हो रहा है। अच्छे से सिक गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम सारे रोटी सेक लेंगे। देखिए दोस्तों एकदम सॉफ्ट रोटी बनके तैयार है, बिना चावल के आटे का भी घर में रोटी चावल से ही आसानी से बनाया जा सकता है। वैसे तो आप इस रोटी को ऐसे ही खा सकते हैं, ऐसे ही टेस्टी लगेगा, लेकिन इसमें हल्का हल्का घी लगाएंगे, इससे रोटी का टेस्ट चार गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए पहले घी लगा लेते हैं। रोटी में घी लगा लिए हैं, अब चलिए आलू की सब्जी के साथ इसे सर्व करते हैं। आप वैसे कोई भी ग्रेवी वाली सब्जी के साथ खा सकते हैं, लेकिन आलू और टमाटर की सब्जी के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप भी जरूर बनाइएगा दोस्तों इस तरीके से, एकदम टेस्टी आलू और टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जी और चावल के रोटी बनके तैयार है दोस्तों, बहुत टेस्टी बनता है। आप भी इस तरीके से जरूर बनाइए।